महिमा जी, ये खर्ची पर्ची पीछा नहीं छोड़ रही कांग्रेस का। और 10 साल का छींटाकशी का काम करते हैं वो तैयार होते हैं हार के लिए। उनको मालूम है अंदर ही अंदर कि हार का जो स्वाद है वो चखने जा रहे हैं और हरियाणा की जनता उन्हें धूल चटाने जा रही है। 10 साल पहले मैं बता देती हूँ आपको हरियाणा में क्या होता था। 10 साल पहले हरियाणा में नए नए संस्थान खोले जा रहे थे, नए नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे, रोजगार पैदा किए जा रहे थे, नए नए उद्योग आ रहे थे। हरियाणा से लाखों युवा पलटन में जाते थे, पलायन नहीं करते थे। और आज 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो जितने युवा 10 वर्ष पहले हरियाणा से पलायन करते थे, आज उससे दोगुनी संख्या में हरियाणा से युवा पलायन कर रहे हैं, डंकी रूट से पलायन कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर पलायन कर रहे हैं। 10 साल पहले जो हरियाणा की महिलाएं हैं उन्हें इस बात का डर नहीं होता था कि उन्हें दिन दहाड़े सड़कों के ऊपर जो है घसीटा जाएगा। आज कोई आम महिलाओं की बात नहीं हम कर रहे, आज इस देश की पहलवान बेटियां जो बाहर जाकर के देश का नाम रोशन करती हैं उन्हें संसद मार्ग पर घसीटा जाता है। 10 साल पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गैस सिलेंडर के हो, दूध के, दही के, आटे के, सब चीजों के दाम जो थे कम होते थे, लेकिन आज 10 साल के बाद महंगाई की जो कहते हैं ना महंगाई डायन, वो हर गृहस्थी को खाने का काम कर रही है। 10 साल पहले अस्पतालों के जो मैं जवाब दे रही हूँ राजीव जी से, मैं जवाब दे रही हूँ। एक मिनट, आपने बहुत सारे मुद्दे एक साथ 10 साल पहले 10 साल पहले कहकर रख दिए यहाँ पर, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन राजीव जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कांग्रेस कह रही है 10 साल पहले, इन्हें गिनाने की जरूरत पड़ क्यों रही है? पिछले 10 साल में खुद क्या काम किया उसका हिसाब तो दे दो। 10 साल से सत्ता में तो आप ही हो ना राजीव जी। बोला तो सही, पर्ची और खर्ची। पर्ची खर्ची का मतलब क्या है? मेरे यहाँ पर स्कूल में बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है 50 वोट लाओ और एक नौकरी पाओ। अब कोई बच्चा ऐसा स्कूल में क्यों जाएगा जिसको 50 वोट का लालच देके नौकरी दी जाएगी? कॉलेज छोड़ करके बैठ गए हैं, चुनावों में लग गए हैं कि 50 वोट की आवाज में नौकरी मिलने वाली है हमारे को। अब बताइए, एक विधायक खड़े होके, जो विधायक के प्रत्याशी खड़े होके कह रहे हैं अगर बाकियों को 50 नौकरी मिलेगी तो 90 मैं दूंगा, मतलब उनको ये मालूम है कि 90 नौकरियां उनके अकाउंट में जाने वाली है। तो अगर आप नौकरियों को अपने अकाउंट में लेकर के बेचना अभी से शुरू कर दें, हो सकता है अभी देखिए हम एक तो इनका देख रहे हैं मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र, दूसरी तरफ अंदरूनी रूप में किस किस को कितनी नौकरियां बांटी गई हैं या दे दी गई हैं, इसका हिसाब किताब भी तो बाहर निकाल के रखिए ना। मैंने सोचा था अभी छुपा के रखेंगे जब तक सरकार नहीं बनती इनकी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि भाई किस किस विधायक को कितनी कितनी नौकरी है। दिलचस्प, विधायक ने भी आगे कांग्रेस खर्ची पर्ची पर जवाब नहीं देती है, वो 10 साल में आपके राज में क्या हुआ उस पर बात करती है। आप लोग पिछला अपने 10 साल का राज नहीं गिनाते हो, आप लोग उससे पहले मतलब 10 साल पहले कांग्रेस क्या करती थी इसको लेकर कांग्रेस को घेर रहे हो। लेकिन आज का मुद्दा और आज का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, महिमा जी पहले आप आई, और आपकी नजर में इस बार हरियाणा किस पर वोट करने वाला है, निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? महिमा जी बात पूरी कर लो, मैंने 10 साल पहले की बात नहीं करी है, मैंने तो इसी चुनावों की बात करी। अरे राजीव जी रुकिए जरा, पहले महिमा जी से जवाब लेने दीजिए मुझे, क्योंकि हरियाणा चुनाव में तो हिजबुल्ला भी आ गया ना सर, मुझे पहले समझने तो दीजिए हरियाणा का निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है। हिजबुल्ला रहेगा क्या, नसरल्ला रहेगा क्या, इसराइल रहेगा क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा? आइए महिमा सिंह। देखिए रोमाना जी, आज 10 वर्ष के बाद हरियाणा के अंदर स्कूल कम हो गए, अस्पताल कम हो गए, संस्थान कम हो गए, रोजगार कम हो गए। आप पूछ रही हैं हरियाणा की जनता किस बात पर वोट देने वाली है। हरियाणा इस बार अपने अधिकारों पर, अपने मुद्दों पर, जो हमारे स्थायी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर वोट देने वाली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो बड़े गर्व से कहती है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है, जो हिंदी की बेल्ट की पार्टी है वो हरियाणवी जज्बा और हरियाणवी जज्बात को पूरे तरीके से अनदेखा कर रही है। हमारे विधायकों की बातों को जो हरियाणवी ढंग से, जो देसी ढंग से बात समझाने के लिए कही जा रही है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। नहीं नहीं महिमा जी, महिमा जी यहाँ पर अब आप गलत बयानी कर रही हैं। बीजेपी नहीं कहती वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है, बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ये कहती है वो तो अपनी मेंबरशिप दिखाती है और बताती है किस तरीके से वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो कहते हैं कि उसके विरोधी कहते हैं उसको हिंदी बेल्ट की पार्टी, जबकि वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ मौजूद है। तो ये आप मत कहिए ना हरियाणवी बेल्ट और यहाँ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं चलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी नजर में निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है?
रोमाना जी, ये तो आपने अच्छा किया ये वाली बात उठा दी मेंबरशिप वाली, क्योंकि अभी हाल ही में तो वो वीडियो वायरल हुआ था ना जब जबरदस्ती किसी का फोन लेकर के मिस्ड कॉल देकर के उन्हें भाजपा का सदस्य बना रहे थे, तो किस तरह से ये अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं वो भी सबके सामने आ गया। लेकिन आज का जो चुनावी मुद्दा है ये सबके सामने है, आप लोगों ने सर्वे किए और तमाम एजेंसियों ने सर्वे किए, बेरोजगारी आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ नए संस्थान नहीं खोले गए वो आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, अवैध खनन अहिरवाल के इलाके में, दक्षिण हरियाणा के इलाके में जो अवैध खनन हो रहा है वो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पोर्टल पे पोर्टल खोल के भ्रष्टाचार भाजपा ने फैलाया वो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 55 दिन के मुख्यमंत्री को जो एक सीट नहीं मिल रही लड़ने के लिए और मजबूरन उनको लाडवा आके लड़ना पड़ा, और जो हरियाणा का कांग्रेस का एक जो जमीनी स्तर का नेता है वो उन्हें धूल चटाने जा रहा है वहां पर, ये हरियाणा का मुद्दा है। और हरियाणा के अंदर ये जो राष्ट्रीय स्तर की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश भाजपा ने साल में, तो राजीव जी ये जितने मुद्दे यहाँ पर कांग्रेस गिना रही है कि ये कांग्रेस के चुनाव के निर्णायक मुद्दे रहने वाले हैं और बीजेपी को इन्हीं मुद्दों के जोर पर हम पटखनी देने वाले हैं, क्या इसी से जनता को भ्रमित करने के लिए चुनाव हरियाणा का और आपके नेता बात हिजबुल्ला की कर रहे हैं राजीव जी? क्योंकि मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से स्टार्टिंग ही इसी बात से रखी थी, आपने ही प्रश्न उठाया था खर्ची पर्ची का, आप ही ने प्रश्न उठाया था रोजगार बेरोजगार के ऊपर। देखिए, हमने तो इसी बात को कहा आपसे कि पहली ऐसी सरकार है जिसमें डाकिया आता है चिट्ठी लेकर के कि आपकी नौकरी लग गई है, अदरवाइज क्या होता है कि आपको पर्ची लेके दिल्ली जाना पड़ता है, रोहतक जाना पड़ता है, वहां पर जाकर हिसाब होता है, रात को बैठ करके उसका गुणा भाग होता है, उसके बाद ये बताया जाता है कितने विधायक के पास कितनी कलेक्शन आई, उस कलेक्शन के आधार पर नौकरियां बढ़ती थी। इसका जवाब तो नहीं दे रही है ना कांग्रेस पार्टी। रही बात, हम हरियाणा में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं राजीव जी, अफसोस इस बात का है कि आप यहाँ पर जिस बात का जवाब दे रहे हैं लेकिन आप हरियाणा में स्टार प्रचारक तो नहीं हो ना सर, पार्टी ने स्टार प्रचारक जिनको बनाया वो हरियाणा में चुनावी रैली के लिए आते हैं और वो यहाँ पर इसराइल, हिजबुल्ला, नसरल्ला सबका जिक्र कर देते हैं, हरियाणा चुनाव में हिजबुल्ला का क्या काम? मैं तो बस ये समझना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो डिस्कशन होती है आज, तो हरियाणा का युवा बाहर भी है, ये तो कांग्रेस इल्जाम लगाती है हम पर, कांग्रेस इल्जाम लगाती है कि हरियाणा के युवा को बाहर रोजगार लेने के लिए भेज दिया। अरे भाई, जब हरियाणा का युवा बाहर बैठा है और वहां पर जिस तरीके की चुनौतियों को देख रहा है, क्या उस चुनौतियों से हरियाणा की जनता को अवगत कराना ठीक नहीं है? और रही बात आपने जैसे हेमंत बिस्मा की करी, तो दादा ने यही बात तो कही है कि भाई इस तरीके से आप क्यों पीड़ित अपने आप को दिखाते हैं? अगर दो देशों की लड़ाई हो रही है, एक आतंकवादी संगठन है और दूसरा देश है, तो आतंकवादी संगठन की तरफ आपका झुकाव क्यों रहता है? अरे भाई, उनके साथ क्यों नहीं रहता जो पीड़ित होते हैं? मैं महिमा जी का रुख करूंगी और महिमा जी आगे हेमंत बिस्व शर्मा ये भी कहते हैं कि जब आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं तब इन्हें दुख नहीं होता, 370 वापस लाने के इनके मंसूबे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जबरदस्त घेराबंदी बीजेपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस की जा रही है, क्या नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को इसका? रोमाना जी, नुकसान तो भाजपा को होने जा रहा है, तगड़ा नुकसान होने जा रहा है, जो इनके सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। इन्हीं की सांसद कंगना रनावत ने थोड़े दिन पहले कहा ना, ये लोग कृषि कानून वापस लाने जा रहे हैं और इनको आपस में ही तय नहीं है कौन सी बात कहनी है कौन सी नहीं कहनी है। ये जो हेमंत साथी पार्टी ने भी उससे किनारा कर लिया, ये जो हेमंत बिस्व शर्मा बातें आकर बोल रहे हैं, यही हेमंत बिस्व शर्मा असम में जब न्याय यात्रा हो रही थी तो वहां पर डंके की चोट पर कह रहे थे कि राहुल गांधी का बॉडी डबल आया है, मैं सबूत दे दूंगा, मैं 4 महीने खुद असम में थी। ये हेमंत बिस्व शर्मा जो है अपनी जबान पर काबू नहीं कर पाते हैं। और ये जो भाजपा है, ये भाजपा जिस तरह के झूठ और जिस तरह का मुखौटा पहनकर 10 साल का शासन चलाती रही है, ये आकिब शाद के अंदाज में ये सुन ले कि लगाए लाख चेहरे पर कोई चेहरा मगर सुन ले, बहुत दिन तक नहीं रहता मुखौटा टूट जाता है, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार जवान हो, चाहे असुरक्षित महसूस करने वाली महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो जो 10 साल पहले 8 साल के थे आज 18 के हैं और जिनका वोटर जो रोल है उसमें नाम नहीं मिलता क्योंकि बड़े आनंद फानन में इनका शासन चलता रहा है, ये सब लोग इन्हें पटकनी देने जा रहे हैं, इनकी खाट खड़ी करने जा रहे हैं। चलिए
चलिए इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का। दावा चाहे कांग्रेस का हो, दावा चाहे बीजेपी का हो, दावा चाहे किसी और का हो, किसका दावा कितना दमदार, 8 अक्टूबर को जनता का फैसला देश के सामने आ जाएगी।